पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है। आधा अधूरा और नाटक पूरा। भारत की राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि बेला और बहादुर की कॉमिक सी कहानी चल रही है। चुनाव शुरू नहीं होता है कि विपक्ष के उम्मीदवारों के छापे पड़ने लगते। क्या यह फ्री एंड फेयर चुनाव का हिस्सा है या फ्री एंड फास्ट चुनाव का हिस्सा है? हर तरह के विपक्ष का मजाक उड़ाने का नतीजा यह हुआ है कि हर आंदोलन बेअसर होने लगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही, इस टिप्पणी पर अलग से विचार कीजिएगा कि फर्द ने राजनीति को आखिर कितना बेहतर बनाया है। मीडिया एक नेता को किन प्रतीकों के जरिए देखता है और आपको दिखाना चाहता है, सारा खेल इसी का है। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता को निगल जाती है, अपने पर्स में लिख कर रख लीजिए। हमारा सिस्टम कब वैज्ञानिक आधार से चलने लगता है या कब राजनीतिक आधार से या धार्मिक आधार से, किसी को पता नहीं चलता। चले तब भी और ना चले तब भी हर बात में आधार कार्ड क्यों मांगता है, यह भी समझ में नहीं आता। यू गेट माई पॉइंट? क्या बेरोजगारी सेक्युलरिज्म के कारण है? क्या आपके बच्चों को नौकरी सेक्युलरिज्म के कारण नहीं मिल रही है? क्या सेक्युलरिज्म के कारण अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है? डाकुओं के लिए कभी नहीं कहा जाता कि बैंक में रुपए क्यों रखे थे, लेकिन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि कपड़े ऐसे क्यों पहने थे। आपको कुछ समय बाद पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हुआ था या आपसे ओवरसाइट हो गया। समाचार का मतलब ही होता है अंदर की बात को बाहर लाना, ना कि बाहर आ चुकी बात को अंदर कर। कहानी अच्छी, बस विवाद इसे लेकर है कि कहानी सच्ची है या नहीं। यू गेट माई पॉइंट? भारत में आप नागरिकों को क्या मिला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम के अलावा और भाषण के अलावा आप रिश्तेदारों के ग्रुप में बता सकते हैं। एक तो 225 रुपए महंगा सिलेंडर भी खरीदो और दूसरा रिश्तेदारों के विचित्र तर्क को भी छेड़ो, मानसिक परेशानी का डोज डबल हो जाता है। कितनी बार कहा है, आज फिर कहता हूं, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है। पर्स में लिखकर रख लीजिए अपने पर्स। आसमानी बातों से जमीन के हालात नहीं बदलते। मुझे पता है कि करोड़ों दर्शकों तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब उन करोड़ों दर्शकों के दिमाग से जब भी झूठ का पर्दा उतरेगा तब मैं दिखाई दे जाऊंगा। यू गेट माई पॉइंट? वॉट विल यू डू वेन देयर विल बी नो डेमोक्रेसी? चेक। यू विल एट लीस्ट बी अलाउड टू प्ले गिल्ली डंडा और नॉट? चेक। ब्रेक ले लेते हैं, सब कुछ ब्रेक हो चुका है। आपको अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब तो आप हर दिन ही अप्रैल फूल बनाए जाते हैं। एक दिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली, खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। और हम सब गाते रहे, अंदर अंदर बात चली है, पता चला चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला। आधा अधूरा और नाटक पूरा। भारत की राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।